रूस ने निभाई दोस्ती, पाकिस्तान को दिया झटका। रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान के 50,000 AK-47 राइफल्स खरीदने का ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया और बोला भविष्य में कोई भी डील इस्लामाबाद से कभी भी नहीं होगी। जी दोस्तों, पाकिस्तान ने रशिया को 50,000 AK राइफल्स खरीदने का ऑर्डर का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन रशिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब रशिया ने ये रिजेक्ट क्यों किया है और मामला क्या है, आइए जानते हैं इस छोटी सी केस स्टडी में। जैसा कि आपको पता है, भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के ऐसे किसी भी हरकत पर करीबी नज़र रखती। जब वहाँ की सरकार के द्वारा रूस के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश होती है और अमेरिका से मिलने वाले तमाम सुविधा बंद होने के बाद पाकिस्तान रूस को लुभाने की कोशिश करता है, तब इस पर हमारी एजेंसियां कड़ी नज़र रखती है। नई पीढ़ी के कलाशिंकोव को राइफल्स को ही AK राइफल्स कहा जाता है। रूस ने भारत से कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी डील इस्लामाबाद के साथ नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। द प्रिंट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साथ यह डील पाकिस्तान अपने रक्षा समझौतों को प्रगाढ़ करने के लिए करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना फिलहाल AK-56 राइफल्स का इस्तेमाल करती है जो चीन द्वारा बनाया जाता है। AK-56 चीनी असॉल्ट राइफल है जो AK-47 का ही दोस्तों अपग्रेडेड वर्जन है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के आतंकवादियों के पास भी यही राइफल्स मिलती है, AK-56 हथियार मिलते हैं। हालांकि दोस्तों, यह पहला मामला नहीं है जो पाकिस्तान रूस को लुभाने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि आपको याद होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान रूस से नए एयर डिफेंस तकनीकी हासिल करने की कोशिश में भी लगा हुआ था। रूस और पाकिस्तान के बीच 2015 में MI-35 अटैकिंग हेलीकॉप्टर की डील हुई थी, लेकिन तब रशिया ने हमारी बात नहीं मानी और उस टाइम उसकी डिलीवरी पाकिस्तान को दे दी। लेकिन इस टाइम नरेंद्र मोदी ने अपना कड़ा रुख दिखाया, बोले अगर आप पाकिस्तान के साथ कोई भी डील करेंगे तो हम आपके साथ फ्यूचर में कोई भी डील नहीं करेंगे और अब तक जितना भी ऑर्डर दिया है सब ऑर्डर वापस ले लेंगे। आपको बता दो, रशिया की जो इकोनॉमी है वो ऑयल यानी तेल पे चलती है और आर्म्स इंडस्ट्री पे चलती है, मतलब हथियार बनाते हैं और तेल बेच के उनकी इकोनॉमी चलती है, और वहाँ पे ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है जिससे उनकी इकोनॉमी चल सके। वैसे भी रशिया की इकोनॉमी काफ़ी डाउन चल रही है फिलहाल के कुछ सालों से, और आपको तो पता ही होगा दोस्तों, भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम का भी डील हुई है और डील काफ़ी बड़ी है दोस्तों। डील तकरीबन $5.2 बिलियन है। इतनी बड़ी डील रशिया को कोई और नहीं दे सकता हमारे सिवा, तो रशिया ने इसी में अपनी भलाई समझी कि पाकिस्तान के साथ कोई भी डील करके हम भारत को नाराज नहीं कर सकते। अगर भारत को नाराज करते हैं तो डेफिनेटली ये $5.2 अरब जो मिलने वाला है वो सपने भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से रशिया का ये बहुत अच्छा कदम है भारत के साथ। रशिया को चाहिए कि पाकिस्तान को अपने आसपास कहीं भी भटकने न दे, तभी पाकिस्तान अपने औकात में आएगा, अपनी हैसियत में रहेगा। अगर आपको अपडेट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।